कि फ्रेंड्स आज हमने बालूशाही बनाई है जो कि बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। इनके आप लेयर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बालूशाही बनी हुई है और हमने कुछ ही टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए बालूशाही बनाई है, जिसकी वजह से हमारी बालूशाही बिना बिगड़े हुए बहुत ही अच्छी जूसी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए अंदर तक एकदम रसीली बालूशाही हमारी बनी हुई है, तो चलिए हम बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज हम बालूशाही बनाएंगे। बालूशाही बनाने के लिए मैं 2 कप मैदा ले लेती हूँ। ये 1 कप मैदा ले लिया है मैंने, इसी में मैं 1 कप मैदा और ले लेती हूँ मेजर करके। दूसरा कप मैदा भी मैंने ले लिया है। बहुत अच्छी हमारी लेयर्ड बालूशाही बनकर तैयार होगी। और साथ ही में मैंने 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा नहीं लिया है, क्योंकि हम इसमें दही का इस्तेमाल नहीं करने वाले। अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो आप साथ में बेकिंग सोडे के साथ दही का यूज कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबल स्पून मोयन के लिए घी डालूंगी। घी 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मेल्ट नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है। अब हम इन्हें अच्छे से हमारी हाथों की हेल्प से मसलते हुए मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने मैदे में घी और घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए एक अच्छी सी बाइंडिंग आ रही है, ये देखिए, मतलब ये परफेक्ट मोयन हमने इसमें डाला है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमें इसे बाइंड नहीं करना है, अच्छे से मसल के नहीं गूंथना है, बस हल्का हल्का सा ऐसा हम बाइंड करते जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला, इसे इस तरह से हमें पूरे डो को सिर्फ इस तरह से बाइंड करना है। बिल्कुल भी इसमें ताकत लगा के मसलने की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से हम पूरा डो बाइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डो बनकर तैयार है। ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल भी मसला नहीं है, आप इसमें लेयर देख पा रहे हैं कितनी अच्छी लेयर बनी हुई है। पूरा खुला खुला हमारा डो है। अब 10 मिनट के लिए मैं इस डो को रेस्ट पे रख देती हूँ, जब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने चाशनी बनाने के लिए 1 कप चाशनी ले ली है। मैं इसे भगोने में डाल देती हूँ, कोई चौड़ा बर्तन हो तो आप उसमें बनाना। मैंने बालूशाही का आटा लगाने के लिए 1 गिलास पानी लिया था, उसमें से 1/2 गिलास से भी कम पानी का इस्तेमाल हुआ है। 1 कप चाशनी के लिए हम 1/2 कप पानी डालेंगे। आप मेजरमेंट का बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी बालूशाही बनकर तैयार हो गया। बालूशाही बनाते समय मेजरमेंट का पूरा ध्यान रखिएगा। अगर पूरे मेजरमेंट का ध्यान रखते हुए आपने बालूशाही बनाई तो बहुत ही अच्छी हलवाई से भी अच्छी बालूशाही बनकर तैयार होगी, जो कि ऊपर से एकदम कुरकुरी होगी और अंदर से एकदम खस्ता होगी। उस पर ऊपर से चाशनी भी नहीं जमेगी अगर आप परफेक्ट चाशनी बनाएंगे तो। हम शक्कर को घुलने तक पूरा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाते हैं, जब तक मेल्ट होने देते हैं। मैंने फ्लेम को हाई रखा है अभी, जब शक्कर मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और 2 से 3 मिनट इसे और कुक करेंगे। साथ ही में हम इस चाशनी में अच्छे कलर के लिए पिंच ऑफ फूड कलर डाल देंगे। केसर येलो फूड कलर में डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो केसर के स्टेंस भी डाल सकते हैं, वैसे ऑप्शनल है, या ऐसे नॉर्मल चाशनी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पर एक अच्छे कलर के लिए जो बाजार से हम बालूशाही लाते हैं उसमें अच्छा सा कलर होता है, उसके लिए मैंने इसमें पिंच ऑफ केसर येलो कलर मिक्स किया है। और अच्छी खुशबू के लिए 2 इलायची को डाल देते हैं। अब शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। इसे 2 से 3 मिनट और हम अच्छे से कुक होने देंगे, मतलब इसमें एक तार बनने जितना हमें कुक करना है। 1 तार की चाशनी बनानी है, अभी तार बिल्कुल भी नहीं बना है, इसे पकने देते हैं। हम डो को चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा डो बना हुआ है हमारा। ये देखो कितनी सारी इसमें लेयर दिख रही है। अभी इसमें और लेयर बनाएंगे, हम चक्कू से काटते जाएंगे और इसमें लेयर बनाते जाएंगे। अपनी हाथों की हेल्प से इसे इस तरह से फैलाते जाएंगे ताकि इसमें बहुत सारी लेयर बनकर हमारे सामने आए। फिर ऐसे काटेंगे हाफ, फिर वापस से ये हाफ पोर्शन इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर बीच में से काटेंगे, फिर ये पोर्शन इस पे रखेंगे, फिर से इसे इस तरह से दबाएंगे। ऐसा ये प्रोसेस हम कंटिन्यू 6 से 7 बार करेंगे, जिससे कि इसमें बहुत अच्छी लेयर बनकर आएगी। मैं
मैंने 6-7 बार इस प्रोसेस को कर लिया है। अब देखो आप इसमें कैसी लेयर है, इसकी जालियां देखो। अब हम इसे इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और छोटे छोटे आकार के इसके पेड़, जिस साइज की बालूशाही आपको चाहिए उस साइज के आप इस तरह से पेड़े काटे, लेकिन हम थोड़ी छोटी साइज की बालूशाही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब चाशनी भी बनकर तैयार हो गई है। इसका तार देखो, एक तार इसमें बन रहा है। ये देखिए, अभी ठंडा होने पर ये पूरा तार अच्छे से खिंचाएगा। हमें इससे ज्यादा इस चाशनी को नहीं पकाना है, अगर ज्यादा पका लेंगे तो बालूशाही पे चाशनी जमने लग जाएगी। ये अच्छी कंसिस्टेंसी, एकदम परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हुई है। मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। अब हम बालूशाही को शेप देना शुरू करते हैं। इस तरह से हम इसे राउंड करेंगे, इस तरह से हमने इसे राउंड किया। अब हाथों की हेल्प से चपटा करेंगे और बीच में एक राउंड कर देंगे, ऐसा गोला बना देंगे, जिससे कि हमारी बालूशाही अच्छे से सिककर तैयार होगी और सारी तरफ इसमें चाशनी भी जाएगी। आप बालूशाही के क्रैक्स देख पा रहे हैं। सारी बालूशाही हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक बालूशाही बनाकर तैयार कर ली है। 3-4 बालूशाही और बची है, उसे हम अभी बनाते हैं। बालूशाही बनाई जब तक घी भी गर्म कर ली। बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैंने घी गरम कर लिया है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मिठाई वगैरह घी में ही ज्यादा अच्छी लगती है। बालूशाही तलने के लिए हमें एकदम ठंडा टेम्परेचर का घी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं होना चाहिए। देखो, मैंने थोड़ा सा मैदा डालकर चेक किया है, मैदा एकदम से उठकर ऊपर नहीं आ रहा है, मतलब ये अच्छा परफेक्ट बराबर घी है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम बालूशाही को फ्राई करेंगे। एक बार में जितनी बालूशाही हमारी आ जाती है हम डालते जाएंगे, और अभी इसे डालने पर बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ये अपने आप 6-7 मिनट में फ्राई होके ऊपर आएगी। बालूशाही का साइज थोड़ा छोटा ही रखें, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, जिससे बालूशाही फूलेगी और बड़े साइज में हो जाएगी। मैंने एक बार में जितनी मेरी कढ़ाई में आई है उतनी बालूशाही डाल दी है। अब हम इसे फ्राई होने देते हैं। ये देखिए, मैंने बालूशाही को बिल्कुल भी अभी तक टर्न नहीं किया है। इसे सिकते हुए 5 चेंज कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बालूशाही पे कितना अच्छे से कलर आया है और एकदम हमारी बालूशाही अच्छे से सिकी हुई है। तो हम इन बालूशाही को अलग निकाल लेते हैं। एक बैच को सिकते हुए 20 मिनट हो गया है पूरा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसे सेका है। देखो, बहुत ही अच्छा कलर इस पे आया है। मैं आपको कलर बताती हूँ, देखो कितना मस्त कलर आया हुआ है। मैं इन बालूशाही को निकाल लेती हूँ। एक एक बालूशाही को हम निकालते जाएंगे। देखो, घी भी इसमें बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है और बहुत अच्छे से सिककर तैयार हुई है। मैं सारी बालूशाही निकाल लेती हूँ। ये कितने अच्छा कलर आया है ना बालूशाही पे, बहुत अच्छी बालूशाही बनी हुई है। ये 2 बालूशाही मुझे थोड़ी कच्ची लग रही थी, इसलिए मैंने इसी में रहने दिया। इसी के साथ मैं बची हुई भी डाल देती हूँ सारी। और जो अभी हमने बालूशाही निकाली है उसे गरम गरम ही चाशनी में डाल देंगे। बालूशाही को हम चाशनी में डाल देते हैं। 3-4 मिनट एक साइड से रहने देंगे, फिर 3-4 मिनट में हम इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। अगर चाशनी ज्यादा है तो फिर तो कोई बात नहीं, पूरी डूब जाएगी, पर मैंने चाशनी कम बनाई है इसलिए हमें 3-3 मिनट टर्न करना पड़ेगा। अब इसे हम चाशनी में डालकर छोड़ देते हैं 3 मिनट के लिए। सेकेंड बैच भी फ्राई होकर रेडी हो गई है। सेकेंड बैच को हम टर्न कर देते हैं। बालूशाही को चाशनी में डाले हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो हम बालूशाही को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी बालूशाही बनी हुई है। इसका कलर देखिए, कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है। और सारी बालूशाही में बहुत अच्छे से चाशनी गई है। मैं आपको बालूशाही निकाल के बताती हूँ। ये देखो,
बहुत अच्छी बालूशाही लग रही है दिखने में। इनकी लेयर्स देखिए, लेयर कितनी अच्छी आई हुई है बालूशाही में। देखो इसकी भी लेयर बहुत ही अच्छी लेयर आई है हमारी बालूशाही में। मैं सारी बालूशाही निकाल लेती हूँ बाहर, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बालूशाही बनी हुई है और इसमें चाशनी भी अंदर तक गई है। ऊपर से भी इसकी स्किन बिल्कुल भी नहीं उतरी है। बहुत सी बार ऐसा होता है, हम बालूशाही बनाते हैं तो ये ऊपर की स्किन एकदम उतर जाती है और बिल्कुल भी अच्छी हमारी बालूशाही बनकर तैयार नहीं होती है। ये देखिए, ये अंदर तक एकदम रसीली बनी हुई है हमारी बालूशाही से निकली बनी हुई है, एकदम लेयर वाली बालूशाही हमारी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको हमारी आज की बालूशाही की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।